बार का सावन महादेव से ही शुरू और महादेव के दिन ही खत्म हो रहा है। अब की सावन बहुत खास होगा, क्या कुछ है और कब से शुरुआत है सावन की? जब जब ये सावन आता है तो महादेव की चर्चा होती है, और आप जब भी मेरे मुख से सुने होंगे कि कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले या किसी से मिलने से पहले मैं हर हर महादेव अवश्य बोलता हूँ, क्योंकि यह समय बहुत ही पावरफुल माना जाता है। क्योंकि जब कोई मुझे कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें एक ही सुनाता हूँ शब्द, भावी मेट सकह त्रिपुरारी। जो त्रिपुरारी हैं वह सब कुछ को, सब कष्ट को, सब दुख दर्द को वो समाप्त कर सकते हैं। जिसका समय आ रहा है जो 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ हो रहा है, सावन मास का प्रथम सोमवार। हालांकि 21 जुलाई 2024 को ही, दिन रविवार को ही, जो सावन महीना का तिथि है, प्रतिपदा तिथि, वो प्रारंभ हो जाती है। परंतु हम लोग शास्त्र में कहते हैं जिसका उदय उसका अस्त। अतः 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार को प्रथम सावन का सोमवारी है, अर्थात सोमवार का प्रथम जो हमारा जल चढ़ाया जाएगा वो 22 जुलाई 2024 को होगा। इस दिन हमारे साथ साथ बहुत सारे सनातनी धर्म उत्सुकता पूर्वक तैयार रहते हैं कि सावन आ गया, चलो कांवड़िया बाबा के धाम, चलो कांवड़िया बाबा के धाम। क्योंकि यह जो सावन माह है, सावन माह में हमारे कांवड़िया लोग जो है वो कांवर लेकर के सुल्तानगंज में जल भरते हैं और बाबा के दरबार चले जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा बासुकीनाथ, दोनों जगह वो जल चढ़ाते हैं। इस बार कांवड़िया के लिए साथ साथ सभी सनातनी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस बार 5 सोमवार पर रहा है। यह बहुत ही अलौकिक वर्ष है जिस वर्ष 5 सोमवार पर रहा है। तो 5 सोमवार लगातार आप बाबा के दरबार जा सकते हैं। डाक बम भी हमारे दौड़ करके सोमवार को पहुंच जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ। इसके साथ साथ जो हमारे जो लोग हैं जिसके आजू बाजू हमारा मंदिर है वहाँ पर जाकर के हम लोग अपना जल अभिषेक करते हैं बाबा के दरबार। तो सबसे पहले हमने कहा कि 22 जुलाई 2024 को सावन प्रारंभ हो रहा है। इस दिन सावन का पहला सोमवार है और शास्त्रानुसार मैंने कहा कि जिसका उदय उसका अस्त। तो सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई और दूसरा सोमवार 29 जुलाई जो सावन का कृष्ण पक्ष में इस बार 2 सोमवार पर रहा है और सावन का शुक्ल पक्ष में इस बार 3 सोमवार पर रहा है। जैसे 5 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024 और 19 अगस्त 2024 को सावन का अंतिम सोमवार है। जैसा कि मैंने कहा कि सोमवार से इस प्रारंभ हुआ सावन और सोमवार में ही खत्म हुआ। और आपने भी महोदय कहा कि यह बाबा भोलेनाथ का सोमवार है और चलो कांवड़िया बाबा के धाम, जल चढ़ाओ। तो इसके साथ साथ इस सोमवार के साथ साथ इस सावन महीने में कुछ पर्व भी आते हैं और इस पर्व में सबसे पहला पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है यह लास्ट सोमवार को पड़ रहा है, 19 अगस्त 2024 जो सावन का सबसे लास्ट सोमवार है, अंतिम सोमवार है, इस दिन रक्षाबंधन पर रही है। तो जैसा कि हमने आपको कहा यह सनातनी के लिए सबसे पवित्र सोमवार माना जाता है या सावन माना जाता है, जिस दिन लोग सोमवार के दिन जितने भी भक्तगण हैं वो अभिषेक करते हैं, इसका अर्थ रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव। रुद्राभिषेक का इस सावन महीने में विशेष महत्व है और सोमवार के दिन रुद्राभिषेक अधिकांश लोग करते हैं। वैसे तो आप सावन में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं 22 तारीख से लेकर के 19 अगस्त 2024 तक। इसके साथ साथ
आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सावन महीने में और बहुत सारे पर्व भी आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पर्व है मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत जो है यह 23 जुलाई को ही प्रारंभ हो जाता है। मंगला गौरी व्रत यह सावन में मात्र 4 ही आएगा, क्योंकि यह 23 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत होगा, 30 जुलाई को दूसरा, 6 अगस्त को तीसरा और 13 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। और सबसे महापर्व के रूप में इस वर्ष जो सावन माह में मनाया जाएगा वह है महाशिवरात्रि। इस बार शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को प्रारंभ होगा तथा 3 अगस्त 2024 को यह अंतिम मनाया जाएगा। जहाँ तक हमने आपको कहा कि इस बार सावन का 5 सोमवार हमारे लिए सभी सनातनीय धर्म के लिए एक अलौकिक रूप में आया है, इस सावन का 5 सोमवार जो हमारे लिए शांति, सुख समृद्धि, धन संपदा, कष्ट क्लेश, जितने भी दुखदायी चीज है हमारे लिए, सबको भगवान भोलेनाथ समाप्त करेंगे। तो सावन का प्रत्येक सोमवार आप लोगों से आशा है कि इस दिन उपवास रख करके भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव भोलेनाथ का इस दिन रुद्राभिषेक अगर हो सकता है तो महीना में कम से कम एक सोमवार अवश्य प्रत्येक परिवार मिल करके इस दिन रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक से आपका जितना भी कष्ट है, जहाँ तक कि मृत्यु तक भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भावी मेट सकें त्रिपुरारी, मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ हैं, जिसमें कि हम लोग महामृत्युंजय जाप के साथ साथ पार्थिव पूजा, इसके साथ साथ हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो इस बार जो है भगवान शिव का 5 बार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार रुद्राभिषेक करके आप अपने आस्था, पूर्ण विश्वास का फल बाबा भोलेनाथ से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? उनके शरण में अपने आप को समर्पित करके। भाव से ही फल मिलता है, अगर भाव नहीं है तो केला, मिठाई, पेड़ा चढ़ाने से कुछ नहीं होता। दूध आप 1 क्विंटल चढ़ा दीजिए, अगर भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आप एक छोटा सा लोटनी लीजिए, उस लोटनी में 50 ग्राम ही अगर दूध अटता है, थोड़ा सा गंगाजल लीजिए, ले जा करके भोलेनाथ पर अर्पण कर दीजिए, उनको चढ़ाइए, भांग, धतूर, क्या कहते हैं, फूल, बेलपत्र, तुलसी, दुर्वा, ये सभी आप चढ़ाइए। मगर तुलसी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है, दुर्वादल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, ये सभी आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। तुलसी भूल से ही भोलेनाथ को ना चढ़ा। इस बार व्रती को 5 सोमवार व्रत लगातार करने होंगे। इस बार व्रती को 5 सोमवार व्रत करने का मौका मिल रहा है, ये कई वर्षों के बाद आती है। और इस सोमवार का व्रत हम सबों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है और सृष्टि में विकास के लिए यह कभी कभी आते हैं। परिचय पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी, हर हर महादेव।